हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश पंत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घटना चक्र बुक की, उसके प्रैक्टिस सेट की। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए कम से कम आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो, ये सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 बार पूछे गए हैं 2000 से लेकर के अब तक, जितने भी साल हमने देखे हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम दें, एलडीसी का एग्ज़ाम दें या सीजीएल का एग्ज़ाम दें, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए याद करना बहुत 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 आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले आगे क्वेश्चंस पे। देखिए, चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयरों से है, जो शेयर मार्केट होती है उससे ये संबंध रखता है। अभिनव भारत के संगठनकर्ता बी डी सावरकर थे। अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि अम्ल नीले लिटमस को किस कलर में बदल देता है, तो आपको चार ऑप्शन देगा, नीला, पीला, लाल, हरा। तो एग्जाम में कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार अगर आप देखते हैं ढंग से तो ये सारी लाइनें आपको आराम से याद हो जाएगी। ये वन लाइनर जी के जितनी भी है ना आपके सामने, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। यहाँ पर शिवाजी के समय में भूमि कर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। पित्त, जिसे बोलते हैं बाइल, यकृत में स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 to 80% मोस्ट एमपी। अगर हमारी बॉडी में बात करी जाए कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी है, तो हमारी बॉडी में जो पानी होता है वो 65 to 80% पानी होता है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। देखिए, एग्जाम में हमसे ये कहता है कि सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा किसके गुणों का पता चलता है, तो आपको लिखना है तत्व का। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरीन, जो रूस का था। एग्जाम में ये पूछता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए क्या था और वो कहाँ का था। तो इसलिए जो भी आपको ये बोल्ड दिख रहा है, जैसे यूरी गागरीन क्या है, बोल्ड लेटर में लिखा है, तो इसलिए इनका नाम आप याद करिएगा। और ये कहाँ से थे? रूस से। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानोर से छोड़ा गया था। ए वीक विद गांधी के लेखक लुइस फिशर थे। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक बिट्स होता है। देखिए, इसी से संबंधित एक बात और कि 1 TB, 1 TB जिसे बोलते हैं, उसमें कितने GB होते हैं? GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, मैं आपको बताता हूँ कि
टीबी में 1024 1024 GB होते हैं। और एक होता है जेटाबाइट, जेटाबाइट में 1024 TB होता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ लेता है 1 GB क्वाल्टी में कितने होते हैं, तो ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सेट नंबर 22, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बंगलोर। अगर बात करी जाए पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो साक्षर है, जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, कौन सी स्टेट मैक्सिमम पढ़ी लिखी है? वो है केरल। पडवाणी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 63 हमसे ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी जरूर होगा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। इसी के साथ आप लिखिए, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कई बार। 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। कब करा गया था? 1876 में। लिखे नोट्स में 1876, फिर लिखिए, एक पल का साइन लगाइए उसमें, फिर लिखिए रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? वो चार ऑप्शन देगा आपको, उसमें आपको सही आंसर लगाना है, नाग। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना, मतलब सेबी की स्थापना कहाँ करी गई? 1988 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। हेडक्वार्टर भी लिख लीजिएगा साथ में। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना से है। शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। सेट 23, एफिल टावर। एफिल टावर जो है वो है पेरिस में। बहुत जोर लोग का ग्रेट बात धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो जिस नदी का इस्तेमाल करा गया है वो करा गया है सरस्वती नदी का। सरस्वती क्या होती है? विद्या की देवी होती है। ऋग्वेद में मैक्सिमम क्या होगा, हमारे मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। देखिए, खिलाफत आंदोलन से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे महात्मा गांधी जो अफ्रीका से परमानेंट वापस भारत लौटे थे वो कौन सा साल था? वो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, 1915। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल सेल मूल या मैग्मा कहलाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं।
विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा प्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति सुंदर लाल बहुगुणा था। देखिए चिपको आंदोलन क्या था, ये उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के अंतर्गत ये था कि सरकार जो थी वो जंगलों का दोहन कर रही थी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल काटे जा रहे थे, जिससे क्या था उत्तराखंड का संतुलन खराब हो रहा था। तो अपनी स्टेट का संतुलन बचाए रखने के लिए वहाँ के लोगों ने यह आंदोलन चलाया। इसके जो आरंभ करा था उन्होंने करा था सुंदर लाल बहुगुणा ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, मोस्ट टाइम भी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। 95 डेसिबल से अगर ऊपर की कोई ध्वनि होगी तो उसको हम नहीं सुन सकते। ओपेक OPEC ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। जैसे देखिए अगर कोई किसान है खेती कर रहा है तो आप देखते हैं कि उस खेती में उसका पूरा परिवार लगे रहता है, उसका छोटा बेटा भी लगे रहता है, उसका भाई भी लगे रहता है। तो ये क्या होती है, ये अदृश्य बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी तो है, मतलब वो जो दिखाई नहीं दे रही है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैन रहिन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बेटन वुड सम्मेलन की देन है। सेट नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए सेट नंबर 24 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, SSC में कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीला हिल सबसे बड़ी जीवित स्तनपाई है। एलिसा परीक्षण जो करा जाता है वो एड्स की जांच के लिए करा जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया। इसके साथ आप लिखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1556 में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो ये दोनों युद्ध भी एग्जाम में पूछ लेता है, अपने नोट्स में इसको भी लिख लीजिएगा। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1966 से लेकर के 1967 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले क्षेत्र से है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग। मोस्ट टाइम पे आप इसे भी लिख लीजिएगा। देश भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बोल्ड में है नीलगिरी पहाड़ियों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन सी लकड़ी पाई जाती है, चंदन की लकड़ी। लिटमस लाइकेन से मिलता है। सेट नंबर 25। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जो हमारा फ्लैग होता है, फ्लैग कुछ इस तरह से होता है हमारा फ्लैग बीच में, तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। चौड़ाई हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई अधिक होती है तो मतलब 3 अधिक हो गया, 2 कम हो गया। तो ये लंबाई है 3 और ये चौड़ाई है, इनका अनुपात क्या है, 3:2। आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लीजिएगा। महीने में कितने दिन होते हैं, मैक्सिमम 31 में एक जोड़ दो, कितना आ गया आपका 32। तो इन दो के बीच में रेशो लगा दो, 3:2। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 3:1 दे देगा तब आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, 3:3 दे देगा तब कन्फ्यूज हो जाएगा, 3:4 दे देगा या 2:3 दे देगा, आगे पीछे कर देगा। तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है आपको एग्ज़ाम में, अगर ना हो बिल्कुल भी तो बहुत अच्छी बात है। आप याद करिएगा मैक्सिमम महीने क्या होते हैं, 31 दिन का होता है, उसमें एक जोड़ दिया 32 आ गया बस। अब 32 से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ ये रेशियो था हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। कनिष्क कौन था, कनिष्क अशोक का पुत्र था। गैलीलियो एक
खगोलज्ञ थे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है, जो डाइजेस्ट होता है हमारा भोजन किस में होता है, वो होता है छोटी आंत में। आठवीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मोड़ होना, मतलब उसका मुड़ना मुड़ जाना। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, सीजीएल एग्जाम में कई बार पूछा है ये प्री में, बाकी मेंस में तो जीएस आती नहीं है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया था, जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा, जो आपातकाल जो इमरजेंसी लगती है, वो जो ये प्रक्रिया ली गई है वो हमने कहाँ से ली है, जर्मनी देश से ली है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद है। भारत की सबसे पुरानी गुफा जो है भीम बेटिका है। बंगाल का बाघ आशुतोष चटर्जी को कहा जाता है। सेट 26 बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल था। ITDC से तात्पर्य है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति गोरिल्ला युद्ध थी। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप बुक से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में अगर अच्छे से देख पाते हैं तो आपका जो नेत्र है काफ़ी सही है, आपकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, आपकी जो आईसाइट है वो 6x6 में काउंट होगी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यू लैंड ने किया था। मादा एनाफेलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में मून को चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन लगते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल होते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेधा पाटेकर हैं। कांकड़ा पारा योजना का संबंध गुजरात से है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को आरंभ हुआ था। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो आरंभ हुआ था वो 1957 में हुआ था 22 मार्च को। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। सेट 27 सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तत्व के परमाणविक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। सात वाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है। केंद्र मुख कर्नाटक में स्थित है। रबड़ उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है, थाईलैंड। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। मुद्रा स्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी होती है।
भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या होता है? 52 सेकंड। मतलब राष्ट्रीय गान जो पूरा समाप्त हो जाता है वो 52 सेकंड में समाप्त हो जाना चाहिए। जो उसकी जो गाने की जो लिमिट है उसका टोटल टाइम है 52 सेकंड। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र मार्तंड जो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था, इसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड, पूरा नाम इसका ये था। सॉरी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खान था। आगा का पैलेस पुणे मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। बीजक के लेखक कबीरदास हैं। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 28। गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार वॉच जरूर करिएगा। एक एक सेट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रखे गए हैं। हमने सेट 23 पूरा करा, 24, 25, 26, 27 और हम 28 में आ गए हैं। तो इसलिए एक बार देखने से ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करना काफ़ी आपके लिए टिपिकल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वॉच करिए और अपने साइड में एक नोट्स बनाइए। नोट्स में आपको पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स में आप लिखेंगे सिंपल गोवा राज्य, फिर लिखेंगे महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, बस ये लिखिए। गोवा बना दीजिएगा, ठीक है? एक सर्कल बनाइए गोवा, गोवा में लिखिए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, मतलब दोनों क्या है, गोवा जो आता है किस में आता है, महाराष्ट्र में उसमें आता है। तो इससे सब नोट्स बनाइएगा। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा पर आ जाते हैं। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब बनता है? ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब बनता है जब आपके क्या, सन मतलब सूर्य, पृथ्वी मतलब अर्थ और आपका ये चंद्रमा मतलब मून, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, एक ही रेखा पर आ जाते हैं। तब क्या होता है, हमारा ज्वार भाटा जो होता है सबसे ऊंचा हाइट में बनता है। तो इस तरह से अभी याद कर सकते हैं इसकी हाइट क्या होगी, ऊंची हो जाएगी जब ये तीनों चीज़ें एक ही रेखा पर आ जाएंगी। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी डेज पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर योग दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, मैंने रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा उसको आप देखिएगा, क्योंकि डेज भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। उसमें मैंने ट्रिक बताई है आपको कैसे याद करा जाए डेज को, शॉर्टकट ट्रिक्स, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करिएगा। काबुई जनजाति मणिपुर में है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राजा राममोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है। एग्जाम में कहता है कि अंग्रेजों ने किसको आधुनिक नक्षत्र कहा था, आपको 4 ऑप्शन देगा, बट राइट आंसर आपको चूज करना है राजा राममोहन राय। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। पुराणों की संख्या 18 है, ये याद रखिएगा एग्जाम में, पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। विषुवतीय क्षेत्र में सामान्य वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? नर्मदा नदी। करबला इराक में स्थित है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। देखिए अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी जीएस की वन लाइनर जी के हमने पढ़ ली हैं। इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा,
कई बार देखिएगा इसको, जब तक याद ना हो तब तक देखिएगा। अपने नोट्स बनाइएगा तीसरे वीडियो में और साइड बाय साइड उसको भी टैली करिएगा, और हो सके तो नोट्स बोल बोल के लिखिएगा अपने। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। सेट 29 स्टार्ट। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल क्या है? किसकी है? एनर्जी की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। मतलब वन डे जो मून का होता है वो 14 डेज जो होता है पृथ्वी के इक्वल होता है। अश्व घोष कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क किसका पुत्र था? मैंने अभी बताया था, अशोक का। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में। 1 घंटे के समयांतर के लिए 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर की दूरी क्या होती है? 15 डिग्री होती है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। सेट नंबर 30। दक्षिणावर्त घूमने वाला एक मात्र ग्रह क्या है? शुक्र। सॉरी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुई थी। जापान का राष्ट्रीय पशु आइविस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। और ये योजना कब हुई थी स्टार्ट? 1951 में से लेकर के 56, 5 साल पूरे स्टार्ट 1951 से 56 तक हुई। एग्जाम में आपसे ईयर भी पूछ लेता है। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, उसी समय भारत जो था इसका सदस्य बन चुका था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक फास्फोरस सर्वाधिक इनमें होता है। जो भी फल और सब्जी से बनते हैं उर्वरक खाद जो बनती है फल और सब्जियों से, उसमें क्या होता है? मैक्सिमम फास्फोरस होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच जे भाभा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा थे। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। सांभर लवण झील कहाँ पर है? राजस्थान में। सांभर लवण झील कहाँ पर है? राजस्थान में। सीडो, सीडो का संबंध लघु उद्योग से होता है। लघु मतलब छोटे उद्योग से। नारमेंडी बीच फ्रांस में स्थित है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सूअर का जो मांस होता है उसे हम बोलते हैं पोर्क। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे कि आपको बोरियत ना हो जाए। हमने इस सेट की बात करी 27 से लेकर के 30 तक। टोटल 7 सेट हमने डिस्कस करे। 7 सेट में हमने कम से कम एक सेट में 12 क्वेश्चंस वर्ल्ड एंड जीके पढ़ी, तो हमारे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। और तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको
नोट्स बनाएं उसके, उसको मैक्सिमम याद करें और वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर वॉच करिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा, ये हेल्प का सिलसिला आगे चलता रहेगा। मैंने वीडियो ये आप लोगों के लिए अपलोड करी, आपका कोई अगर फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की उसे ही शेयर करना, ठीक है, सभी फ्रेंड को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं उमेश पंत लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।